हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि हमें पता है NMAT 2020 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। NMAT का जो एग्ज़ाम है उसका स्ट्रक्चर इस साल बिल्कुल चेंज हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। उसके साथ ही आप किसी क्वेश्चन को बिना आंसर करे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हो, किसी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसके साथ ही किसी क्वेश्चन पे आप वापस बैकवर्ड नहीं आ सकते हो। तो ये जो नए फीचर्स हैं, नया जो एग्जाम स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज लाइव हो गई है, जिसमें आपको मिलेंगे 10 फुल लेंथ मॉक्स, टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट मिलेंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आपको पता है NMAT 2020 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। इस साल पूरा का पूरा जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। इसके साथ ही भाई इस बार जो एग्जाम होगा उसमें आप क्वेश्चंस में बिना आंसर करे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हो। एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए तो आप पिछले क्वेश्चन पे वापस नहीं आ सकते हो। एंड काफी सारे और भी चेंजेस हुए हैं, तो उसी के पैटर्न पे जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है वो हमारी लाइव हो गई है, जिसमें आपको मिलेंगे 10 फुल लेंथ मॉक्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, ताकि आप इजी मॉडरेट एडवांस लेवल के लिए तैयार रहो। हर एक मॉक का डिटेल एनालिसिस रहेगा एंड और भी जो फीचर्स है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि एमबीए रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, ये आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट एग्जाम स्ट्रक्चर है वो क्या है इस साल, जो है आपको पता है जो लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग है, तीनों टॉपिक के 36 क्वेश्चन कर दिया, मतलब 108 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे एंड टोटल जो टाइम है दैट इज 120 मिनट्स। लैंग्वेज के लिए आपको मिलेंगे 28 मिनट्स, क्वांट के लिए आपको मिलेंगे 52 मिनट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट्स। किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको आंसर करना है, चाहे सही करो चाहे गलत करो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। लेकिन आप अपना ऑर्डर ऑफ टेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ टेस्ट का मतलब हो गया कि आप वर्बल पहले करना चाहते हो, लॉजिकल रीजनिंग पहले करना चाहते हो या क्वांट पहले करना चाहते हो, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपका स्कोर आएगा दैट शुड बी फ्रॉम 36 to 360। अब इसी पैटर्न के ऊपर हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लाइव हो चुकी है, जो NMAT की टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 10 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है। हर एक मॉक का आपके सामने डिटेल्ड एनालिसिस होगा, सॉल्यूशन होगा, जितने भी मॉक्स होंगे वो इंटरफेस होगा बिल्कुल NMAT का, मतलब जैसा एक्चुअल NMAT होने वाला है उसी पैटर्न पे, उसी इंटरफेस पे। मतलब आप अपने सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको आंसर करना ही पड़ेगा। बैकवर्ड आके रिव्यू करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी नहीं मिलेगा। तो जो NMAT का एक्चुअल पैटर्न रहने वाला है उसी के बेसिस पे आपको ये मॉक्स मिलेंगे। हाँ, एक चीज आपको देखनी है, जो एक्चुअल NMAT होगा वो आपका अडेप्टिव होगा, मतलब अगर आपने सही आंसर किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेगा, अगर आपने गलत किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी मिलेगा, फिर आप वो सही करोगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलेगा। तो मतलब आप जिस तरह से सही गलत करोगे उसी बेसिस पे आपका डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन का चेंज होता रहेगा। लेकिन जो हम आपको मॉक प्रोवाइड करेंगे वो अडेप्टिव नहीं होंगे, लेकिन हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करें, इजी मॉडरेट एडवांस, ताकि आपको बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस मिले जैसा एक्चुअल NMAT में होगा। क्योंकि आपको भी नहीं पता आप कौन सा क्वेश्चन सही करोगे, कौन सा गलत करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे भी आपको वैसा ही पैटर्न मिलेगा। आपने भाई क्वेश्चन कराया, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिल जाए, फिर आपको मॉडरेट मिल जाए, फिर आपको इजी मिल जाए, फिर मॉडरेट मिल जाए। तो सिमिलर एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हर एक मॉक में इंक्लूड करे गए हैं। इसके साथ ही आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, इजी मॉडरेट एडवांस, ताकि आप हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहो। क्वांट्स के, LRDA के, वर्बल के, तीनों के आपको हर एक टॉपिक के इजी मॉडरेट असाइनमेंट भी मिलेंगे, एडवांस असाइनमेंट मिलेंगे। इसके साथ ही आपको मिलेगा एक टेस्ट जनरेटर का फीचर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी टॉपिक पे आपको एडिशनल प्रैक्टिस करनी है तो आप अपना खुद का टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है क्रिएट योर ओन टेस्ट, जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे कौन से टॉपिक का आपको टेस्ट करना है, क्या उसका लेवल रखना है, इजी रखना है, मॉडरेट रखना है, एडवांस रखना है, कितने क्वेश्चन आप उसमें चाहते हो, कितने टाइम में आप करना चाहते हो, वो सब चीजें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सारे के सारे मॉक्स अनलॉक होते हैं तो आप उनको कभी भी अपियर कर सकते हो। जो आपकी NMAT की विंडो है उसमें जो लास्ट डेट होगी तब तक आपके लिए वैलिड है, विच मीन्स 30th January 2021 तक आपके पास ये टेस्ट सीरीज रहेगी। आप अटेम्प्ट दे सकते हो, अगर आप NMAT का एक अटेम्प्ट देते हो या मल्टीपल अटेम्प्ट देते हो, आप इसी टेस्ट सीरीज से अपना सारा का सारा प्रैक्टिस एंड रिवीजन कर सकते हो। जो इस टेस्ट सीरीज का फीस स्ट्रक्चर है दैट इज ₹1000 एंड अगर आप परचेज करना चाहते हो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपके ईमेल पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप में या फिर अपने फोन में, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज की डिटेल है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो, आप चाहते हो अच्छे से प्रैक्टिस हो, नए टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले, जो NMAT का लेवल है उस तरह के क्वेश्चंस देख पाओ, जो पैटर्न इस बार आया है, मतलब
जो आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, आप अपना सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन किसी क्वेश्चन पे बैकवर्ड नहीं आ सकते, ये सारे फीचर्स और रियल टाइम एनवायरमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।